आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की एक कॉल ने आज दिल्ली में सनसनी फैला दी। स्वाति मालीवाल की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाए जाने का दावा किया गया है। दावा यह है कि स्वाति मालीवाल ने कथित तौर पर सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल किया। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया और कहा कि सीएम हाउस के भीतर उनके साथ मारपीट की गई है। मारपीट का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाति मालीवाल सोमवार सुबह 9:10 पर सीएम हाउस पहुंची थी। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के निजी स्टाफ ने उन्हें केजरीवाल से नहीं मिलने दिया। इसके बाद मालीवाल ने सुबह 9:31 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पीसीआर को मिली सूचना के बाद पुलिस स्टेशन ऑफिसर तुरंत सीएम आवास पर पहुंचे। उन्होंने स्वाति मालीवाल को पुलिस स्टेशन आने के लिए राजी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ मिनट बाद ही मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बारे में दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, ये जानिए। सुबह 9:34 के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की कथित घटना सामने आने के बाद बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने स्वाति मालीवाल के आरोपों पर कहा है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली के सीएम हाउस से कॉल की गई। याद रखिए, स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी थी। वो वास्तव में उस समय भारत में भी नहीं थी और लंबे समय से भारत नहीं लौटी थी। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालीवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करी थी और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाक्य की कड़ी निंदा करते हैं और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालीवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। हालांकि स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम हाउस में हुई कथित मारपीट का आरोप केजरीवाल के पीए पर लगा है, लेकिन अब तक ना तो इस पर सीएम हाउस से कोई खंडन आया है और न ही स्वाति मालीवाल का इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद भी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हो गई। सवाल यह भी है, स्वाति मालीवाल ने खुद ही पुलिस को यदि फोन किया था, वे पुलिस स्टेशन भी गई थी, तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत क्यों नहीं दी।
बहरहाल इन चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट की घटना से आम आदमी पार्टी के लिए एक और संकट तो जरूर पैदा हो गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।